खाना भी लेकर आ गए, खाली हंडिया भी लेकर आ गए। और रोहिणी नाम था। अम्मी ने अभी अभी चाय पिया, लेकिन अम्मी दोबारा से आइसक्रीम भी खा रही है। शाम के टाइम में जो ऑरेंज ऑरेंज लाइट आती है ना, नेचुरल। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ गाड़ी में, और गाड़ी में जो है हवा और गाड़ियों का बहुत शोर आ रहा है, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं अपनी फुप्पो के घर पर। अम्मी ये बैठी हुई हैं, दोपहर के इस वक्त बज रहे हैं 2, और मैं अम्मी से टाइम ही पूछ रही थी। तो अबू, मैं और अम्मी, हम तीनों जा रहे हैं रफ़ी पुलोवे घर पर। तो वहाँ पहुँच के फिर आप लोगों से मिलते हैं। ये मैं वहाँ पे पहुँच गई हूँ, और फ्लैटों के अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं। अब लिफ्ट के अंदर हम लोग चढ़ रहे थे, तो मम्मी को लगता है लिफ्ट में डर, तो मैं मम्मी से पूछ रही थी डर तो नहीं लग रहा आपको, तो मम्मी ने कहा नहीं। तो भाई ये मैं पहुँच चुकी हूँ पप्पलोए घर पे। थोड़ी देर बातें शातें करने के बाद, अभी शाम के टाइम पे सब चाय पी रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं पप्पो की गैलरी से ज़रा आप लोग को व्यू दिखाऊं। तो पप्पो लोग रहते हैं 9th फ्लोर पे, तो 9th फ्लोर से बहुत अच्छा व्यू आता है, बड़ा अच्छा गाड़ियों वाड़ियों का, और काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग सामने, हवा बहुत अच्छी आती है। सबसे अच्छी बात तो ये है, हवा इतनी खुली खुली आती है, और ऊपर से गाड़ियाँ छोटी छोटी देखने में बड़ा मज़ा आता है। सामने ये गालिब रेस्टोरेंट बना हुआ है, तो यहाँ पे भी लोग चलते फिरते नज़र आ रहे होते हैं। तो मैं बस देख रही हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ। यार मेरे फ़ोन से जितनी अच्छी क्वालिटी में दिखा सकती थी ना, उतना मैं दिखा रही हूँ, उतना ख़ास तो मुझे आता भी नहीं है। दूसरी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही थी, तो पता नहीं क्या, मेरा हाथ इतना स्टेबल नहीं था, बार बार कैमरा पता नहीं क्यों हिले जा रहा था। तो इतनी अच्छी, तो ये मैंने अपने इंस्टा के लिए स्टोरी बनाई थी, जो कि मैंने बाद में लगाई नहीं, मैं भूल ही गई थी। तो अब कभी मूड हुआ तो लगा दूँगी, पर इसमें फिर भी थोड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, तो अच्छा लग रहा था। ख़ास तौर पर सनसेट तो बहुत ही अच्छा दिखता है यहाँ से। अभी मैं जा रही हूँ कॉरिडोर के अंदर, कॉरिडोर मतलब बाहर के एरिया में, वहाँ पर ज़्यादा अच्छा व्यू आता है। ये पप्पो का फ्लैट का डोर है, और डोर के बाहर का आप देखिए बस नज़ारे हैं। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। चाय भी पी, अभी सब लोग चाय पी रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं ज़रा बाहर की इधर उधर की वीडियोस बना लूँ। बस यही दिखाना था, कुछ है बहुत मस्त एकदम, बिल गार्डन गार्डन सोचा था देख के। भाई अभी पप्पो ने हम लोग को कोई आइसक्रीम दे दी है, कोई लॉलीपॉप, जिसका हम भाई कह रहे हैं टेस्ट बहुत अच्छा है, तो हम लोग ये खा रहे हैं। अम्मी ने अभी चाय पी है, लेकिन अम्मी दोबारा से जो है आइसक्रीम भी खा रही है। अब हम लोग जा रहे हैं, और ये माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा किचन बना हुआ है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे भी अच्छा लग रहा है, ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा था। हमल भाई आपने ये वाली लाइट जलाई। आप लोग ले लियो, अम्मी कह रही है लिफ्ट के, अम्मी यहाँ पे तो आपको डर नहीं लग रहा है लिफ्ट के अंदर? अम्मी को बहुत डर लगता है लिफ्ट। अब सब घर के आगे भी लिफ्ट हो ना, उसमें कोई घर घर आती है लिफ्ट। यार मैं गांव से है ना, हम बेगा बन गए। ये भाई ये लॉबी में आ गए हम लोग, बहुत जा रहे हैं बाहर। ये अभी अम्मी अब्बू खड़े हुए, हम लोग नीचे खड़े हुए वेट कर रहे थे इन ड्राइव का कि आ जाए बस। तो और हम लोग अभी बैठ गए हैं, जा रहे हैं। अम्मी फुल एकदम
उधर देखते हुए जा रही, बिल्कुल बात बात भी नहीं कर रही है। घर आ गई थे हम लोग, तो फिर मैंने घर आके पप्पा ने जो खाना मंगाया था वो हम लोग को पार्सल करके भी दे दिया था कि तुम लोग घर ले जाके खाना। तो मैंने घर आके मुँह हाथ धोया और नान गरम किया और फिर ये चिकन पनीर इन्जॉय किया जो कि बहुत ही मज़े का था। रेस्टोरेंट का नाम भी बताया था, मैं भूल गई भैया। अभी हम लोग घर आ गए और ये अम्मी ना रखी ऊपर से हंडियाँ भी लेकर आ गई जिसके अंदर उन्होंने हमें खाना मतलब आया था और हमने खाया था दोपहर का। इसके अंदर सब्जी थी और इसके अंदर दाल थी, मिक्स सब्जी। हाँ, चने की दाल थी और ये फिश का सालन था। फिश का सालन था और ये वाला सालन तो मैंने दिखाया था अभी, चिकन पनीर। ये ले खाना भी लेकर आ गए, खाली हंडिया भी लेकर आ गए और रोगनी नान। अब वो कह रहे देख लो मेरी बहन, सिर्फ आपकी बहन लगती है, हमारी कुछ नहीं लगती है। मेरी बहन, मेरी बहन पहले बाद में तुम लोग। एक तो खानों में एंट्री लगा के इतनी जोर जोर से बोलने लगते हैं। खैर अभी हम लोग आ गए घर पे और बस ये अच्छा हुआ मुझे याद आ गया कि मैंने ब्लॉग की एंडिंग तो बनाई नहीं है। मैं आराम से कपड़े वपड़े बदल के सोने लेट गई थी। पर आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। नहीं भी अच्छा लगा तो पसंद करने की बस कोशिश करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। चैनल पर न्यू हो तो आ रही अम्मी, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जब तक लिए अल्लाह हाफिज़।